उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद जिस आरएलडी के समाजवादी पार्टी से नाराज होने की खबरें मीडिया के सामने आ रही थी, अब उस आरएलडी ने यह ऐलान करवा दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ मैनपुरी और रामपुर के दो खास क्षेत्रों का चुनाव लड़ेगी। समाजवादी पार्टी की ओर से यह ऐलान किया गया है कि समाजवादी पार्टी गठबंधन इस बार मैनपुरी, रामपुर और खतौली की विधानसभा सीटों पर चुनाव एक साथ लड़ेगा। इन सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग चुनाव लड़ने के लिए उतरेंगे, जयंत चौधरी और अखिलेश यादव उनका प्रचार करेंगे। दरअसल ये सभी सीटें उपचुनाव के लिए खाली हुई हैं, जिस पर अगले महीने की 5 दिसंबर को मतदान कराया जाना है। मैनपुरी की सीट मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है, वहीं रामपुर की सीट आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद रिक्त हुई है। इसके अलावा खतौली की सीट से विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता को रद्द किया गया है, जिसके बाद इस पर चुनाव किए जाने हैं। इन सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी अपने अपने प्रत्याशी उतारेगी। मैनपुरी और रामपुर में सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं खतौली में आरएलडी के टिकट पर इलेक्शन कराए जाएंगे, जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी के लिए प्रचार किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में होने वाले इन चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी काफी उत्साहित है। पार्टी की कोशिश है कि मैनपुरी रामपुर के गढ़ बचाने के साथ साथ खतौली में गठबंधन की जीत कराई जाए, जिससे निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बन पाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का दावा है कि वो इस बार मैनपुरी और रामपुर में कमल खिलाएगी। खतौली की सीट पर भी पार्टी ने ऐसा ही दावा किया है। इन सीटों को लेकर बीजेपी के संगठन में नामों पर मंथन भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि इन सीटों के लिए जल्द प्रत्याशियों का ऐलान हो जाएगा। वहीं समाजवादी पार्टी के भीतर भी तमाम नामों पर विचार किया जा रहा है। सबसे खास सीट मैनपुरी की है, जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव से लेकर कुछ बड़े नेताओं के नाम पर विचार कर रही है। वहीं बीजेपी की ओर से ये कोशिश है कि समाजवादी पार्टी को टक्कर दी जाए, इसलिए पार्टी ने उस घर की ही अपर्णा यादव के नाम पर भी विचार शुरू किया है। उपचुनाव का रण दिलचस्प होगा, ये बात तो सही है, लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल अपने सबसे बड़े सहयोगी की पार्टी को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रही है। उपचुनाव में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव की जोड़ी क्या करिश्मा करती है, ये देखना होगा। लेकिन अगर हार होती है तो ये हार अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन की भी संयुक्त हार होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।